वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर क्लास में आपका मैं फिर से स्वागत करती हूँ। और आज इस टॉपिक में हम लोग टिपिकल ट्रोकोफोर लार्वा के स्ट्रक्चर और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे। तो ट्रोकोफोर लार्वा नॉर्मली क्या है? नेरिस का लार्वा है, लेकिन आप ये भी जान जाइए कि इन सम क्वालिटीज द यंग हैचेस फ्रॉम एग इन ए कैरेक्टरिस्टिक ट्रोकोफोर लार्वा। पॉलिचिट्स में एग हैच आउट होने के बाद जो कैरेक्टरिस्टिक स्टेज बनाता है लार्वा का, उसी स्टेज को हम क्या कहते हैं? ट्रोकोफोर लार्वा। तो हम लोग आज ट्रोकोफोर लार्वा के बारे में स्टडी करेंगे, यानी टिपिकल टाइप ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा। क्योंकि नेरिस में जो लार्वा होता है, जिसको हम ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं, एक्चुअली में वो नेक्टोचिट लार्वा होता है, क्योंकि वो एग मेम्ब्रेन के अंदर डेवलप होता है। इसलिए हम वहां पे उस ट्रोकोफोर लार्वा को पोस्ट ट्रोकोफोर लार्वा या नेक्टोचिट कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, इसके टिपिकल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर ट्रोकोफोर की हम लोग बात करें, तो यहाँ आप ट्रोकोफोर लार्वा को देख सकते हैं इजिली। तो ट्रोकोफोर लार्वा में आपको क्या देख रहे, जो टिपिकल टाइप ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा होता है, वो लार्वा में आप क्या देख सकते हैं कि इसकी शेप कैसी है? प्योर शेप, ठीक है। आप देख सकते हैं माइन्यूट छोटा सा प्योर शेप स्ट्रक्चर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको ट्रोकोफोर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो तरह का सिलियरी बैंड को क्या करता है? रखता है, जो उसके स्विमिंग में मदद करता है। तो ये सिलियरी बैंड क्या होता है? एक देखिए ध्यान देने वाली बात है, प्री ओरल सिलियरी बैंड, जिसको हम प्रोटोट्रॉप कहते हैं, यानी प्री ओरल, यानी ये माउथ है, माउथ के आगे जो सिलियरी बैंड है, तो इसको क्या कहें? प्री ओरल सिलियरी बैंड, और क्या कहेंगे? प्रोटोट्रॉप। और दूसरा क्या कहेंगे? पोस्ट ओरल सिलियरी बैंड, या इसी को हम कहेंगे मेटाट्रॉक। तो ये दोनों सिलियरी बैंड की वजह से क्या करता है? ये स्विमिंग करता है, इसलिए इसका नाम ट्रोकोफोर लार्वा पड़ा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि क्या है, एंटीरियर ब्रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, और पोस्टीरियर थोड़ा सा क्या है? पॉइंटेड है। एंटीरियर के टप्ट में थोड़ा सा स्वेलिंग है, इसी को हम क्या कहेंगे? एपिकल सेंसरी ऑर्गन। और एपिकल सेंसरी ऑर्गन के आगे क्या है, आप देख सकते हैं टप्ट ऑफ सीलिया है। और जस्ट इसके नीचे एपिकल सेंसरी गैंग्लियन के जस्ट नीचे, एपिकल सेंसरी ऑर्गन के जस्ट नीचे क्या है? नर्व गैंग्लियन है, ठीक है। अब इसके पास क्या है? आईज भी है, यहाँ पे आप आईज देख सकते हैं। अब ट्रोकोफोर लार्वा में आप क्या देख सकते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो इसके पास क्या है? माउथ है, माउथ लीड करता ओसोफेगस में, ओसोफेगस राउंडेड स्टमक, देखिए कैसा है, राउंडेड स्टमक में, और फाइनली स्टमक इंटेस्टाइन, जिसको बोलेंगे ये स्टमक इंटेस्टाइन, और बाहर की तरफ ये किससे? एनस से, ठीक है। और आपको क्या दिख रहा है इसमें कि ये दो आपका देखिए बाहर और अंदर की तरफ आप देख सकते हैं। इसके पास क्या है? सम लार्वल नेफ्रिडिया भी दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आपको लार्वल नेफ्रिडिया। और इन बिटवीन द एक्टोडर्म और इंडोडर्म में ये मेसोडर्म के सेल है, और इस मेसोडर्म में ये देखिए आपको ये एक्टोडर्म और इंडोडर्म, और बीच में ये क्या? मेसोडर्म। तो मेसोडर्म में आपको क्या? मेसोडर्म सेल दिख रहे हैं, प्रोटोनिफ आपको क्या दिख रहा है? लार्वल नेफ्रिडिया दिख रहा है, साथ ही साथ क्या दिख रहा है? इसी में इम्बीडेड है लार्वल मसल्स। तो आप इजीली इसका स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। पियर से स्ट्रक्चर है माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन और ये एनस, ठीक है। और एपिकल में टप्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बात है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि क्यों इसका नाम ट्रोकोफोर पड़ा? क्योंकि ट्रोकोफोर क्यों पड़ा? क्योंकि इट कंसिस्ट टू सिलियरी बैंड, प्रियोरल और पोस्ट ओरल। तो ठीक है, हम इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं कि ट्रोकोफोर क्या है। ट्रोकोफोर इज ए माइन्यूट ट्रांसपेरेंट अनसेगमेंट और पियर शेप स्ट्रक्चर है, विथ ब्रॉड एंटीरियर हेड एंड नैरो पोस्टीरियर एनल इंड। देखिए एंटीरियर इंड क्या है? ब्रॉड है, और पोस्टीरियर इंड नैरो है। और लार्वा क्या होता है? फास्ट स्विमर होता है, तो ये याद रखिएगा, फास्ट स्विमर है। अगर इसके एंटीरियर इंड की बात करें, तो एंटीरियर इंड कंटेन करता है एपिकल सेंसरी ऑर्गन। आपने यहाँ देखा क्या है? एपिकल सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। एपिकल सेंसरी ऑर्गन के जस्ट आगे क्या है? टप्ट ऑफ सीलिया, और बिलो दिस नर्व गैंग्लियन प्रेजेंट है आपका। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो देखिए माउथ है, ओसोफेगस है, राउंडेड स्टमक, इंटेस्टाइन और एनस, ठीक है। टू सिलियरी आपका सिलियेटेड बैंड प्रेजेंट फॉर स्विमिंग। ये टू सिलियरी बैंड क्या है? देखिए प्रीओरल, जिसको हम प्रोटोट्रॉक बोलेंगे, और पोस्ट ओरल सिलियेटेड बैंड, जिसको मेटाट्रॉक बोलेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है कि लार्वा इंटरनली क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है सिलोम, लार्वल नेफ्रिडिया,
आई स्पॉट, मेसोडर्म और लार्वल मसल्स, जिसको हम लोग ने फिगर में इजिली देख लिया है। तो अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए, क्योंकि हम लोग ने नेरिस के डेवलपमेंट के बारे में स्टडी किया था, पूरे उसके लाइफ साइकिल को स्टडी किया था। तो वहां हम लोग, याद कीजिए, अगर याद नहीं होगा तो आप मेरे नेरिस के प्लेलिस्ट को देख लीजिए। तो नेरिस में क्या था कि वहां पे ट्रू ट्रोकोफोर लार्वा नहीं प्रेजेंट था, वहां पे क्या था, पोस्ट ट्रोकोफोर लार्वा हम उसको कहते हैं। क्योंकि क्या हो रहा था, उसका डेवलपमेंट इनसाइड द एग मेम्ब्रेन हो रहा था, यानी ये एग मेम्ब्रेन के अंदर ट्रोकोफोर लार्वा लाइक स्ट्रक्चर था, जिसको हम नेक्टोचीट कहते हैं। लेकिन ज्यादातर पॉलिचिस्ट में या फ्यू सम पॉलिचिस्ट में क्या होता है, ये लार्वा हैच आउट होता है डायरेक्ट, यानी एक डायरेक्ट हैच आउट होगा किसमें, आपके यंग ट्रोकोफोर लार्वा में। तो यही मेजर डिफरेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है, इन नेरिस इट इज ए पास इनसाइड, याद रखिए, इट इज ए पास इनसाइड द एग मेम्ब्रेन, याद रखिएगा, एग मेम्ब्रेन के अंदर ये रहता है ये लाइफ, ठीक है। एंड लार्वा हैच आउट इन ए सी वाटर बाई ए रप्चरिंग एग विटलाइन मेम्ब्रेन, विटलाइन मेम्ब्रेन के अंदर रप्चरिंग के बाद ये आएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रोकोफोर या नेक्टोचीट, यानी वहां पे जो ट्रोकोफोर लार्वा है एक्चुअली में वो लार्वा क्या है, नेक्टोचीट। और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, हर समय एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो नेक्टोचीट क्या करता है, पोजेस थ्री सेगमेंट विथ ब्रिसिल, ठीक है, थ्री सेगमेंट मतलब थ्री आपका क्या करेगा, सेगमेंटेड ब्रिसिल को कंटेन करेगा, और इस लार्वल स्ट्रक्चर आर पुअरली डेवलप, वहां पे जो लार्वल स्ट्रक्चर होता है वो पुअरली डेवलप होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था ट्रोकोफोर लार्वा के। तो ट्रोकोफोर लार्वा का आफ्टर दैट ट्रोकोफोर लार्वा क्या करेगा, ये ट्रोकोफोर लार्वा मेटामॉर्फोस होगा, मेटामॉर्फ हम लोग नेरिस में तो पढ़ ही लिए हैं कि कैसे नेक्टोचीट लार्वा मेटामॉर्फोस हो रहा है, उसी तरह ट्रोकोफोर लार्वा भी क्या करेगा, मेटामॉर्फोस होगा, और फाइनली एडल्ट आपका किसमें, नेरिस में चेंज हो जाएगा, और अदर जो भी आपके एनिमल्स हैं उसमें, आपके पॉलिचिस्ट के एनिमल्स हैं उसमें चेंज हो जाएंगे। लेकिन इसकी ग्रेट सिग्निफिकेंस है, तो इसकी सिग्निफिकेंस को भी हम जान ले रहे हैं कि ग्रेट सिग्निफिकेंस इसका क्या है। तो ट्रोकोफोर लार्वा हैज ए ग्रेट सिग्निफिकेंस। ये ग्रेट सिग्निफिकेंस क्या है कि एनिलीड ट्रोकोफोर इज ए ग्रेट फाइलोजेनेटिक इंपॉर्टेंस, क्यों, इट एग्जिबिट सिमिलरिटी विथ एडल्टिनोफोरा एंड सर्टन रोटिफर्स, यानी कुछ एडल्टिनोफोर और सर्टन रोटिफर्स की से क्या करता है, एफिनिटीज है, मतलब उससे सिमिलरिटीज है उसके लार्वल फॉर्म में। साथ ही साथ ये बताता है कि इम्ब्रायोलॉजिकल कंडीशन, दोनों के सिमिलरिटीज बताता है इम्ब्रायोलॉजिकल कंडीशन की, दोनों किसी एक ही समय में एक ही इवोल्यूशनरी ट्रेंड से क्या हुए थे, डेवलप हुए थे, और इट्स सो क्लोज एफिनिटीज विथ लार्वल फाउंड इन सम डाइवर्स ग्रुप, ठीक है, सच एज पॉलीक्लेट, टर्बेलियन, निमर्टिनी, ब्रायोजोआ और मोलस्का। तो जैसे एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं कि मूलर लार्वा ऑफ टर्बेलियन का, ठीक है, और पिलीबियम लार्वा ऑफ निमर्टिन का, और वेलिगर लार्वा ऑफ, जिसको वेलिगर या वेलिजर लार्वा हम किसका बोलते हैं, मोलस्का से। तो ये क्या करता है, यानी मूलर लार्वा आपका और पिलीबियम लार्वा और वेलिजर लार्वा की तरह दिखने में लगता है। तो ये क्या कर सक, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास ग्रेट सिग्निफिकेंस है, यानी इवोल्यूशनरी फाइलोजेनेटिक टर्म्स, जो आपका फाइलोजेनेटिक इंपॉर्टेंस है, इन सब लार्वा में सिमिलरिटीज है, उससे ये एफिनिटीज रखता है। तो बहुत ही इजी टॉपिक था ट्रोकोफोर लार्वा का, और इस तरह मैंने नेरिस के हर एक टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप लोग जाके मेरे सारे नेरिस के सारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रिटरी सिस्टम डेवलपमेंट, सारे चीज को मैंने पढ़ाया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, बाय।